नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक और फ्रेश वीडियो में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ हुंडई वेन्यू SX ऑप्शनल का ये टॉप मॉडल है। आप देख रहे हैं भाई कितना ही बेहतरीन लगता है। न्यू कलर इसमें लॉन्च कर दिया गया है एंड क्या इसमें नए फीचर्स हैं 2023 में BS6 फेज 2 के साथ क्या कुछ नया ऐड ऑन करा गया है, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं एंड क्यों ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV में राज कर रही है एंड इसके सेल फिगर्स काफी अच्छे हैं। तो चलिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि कार में आपको क्या कुछ मिलेगा एंड क्यों आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। तो अगर कार के हम लोग फ्रंट लुक से बात करें तो आप देख सकते भाई कार कितनी ही बेहतरीन है, मस्कुलर हो गई अपने नए लुक के साथ। और भाई जिसका नया कलर ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ये आपको थोड़े बहुत मैट फिनिश के भी लुक प्रोवाइड करता है भाई, ब्लैक एंड आप सिल्वर फिनिश कह सकते हैं भाई। कार बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो मैं बता रहा था कि ये आपका SX मॉडल है, ये डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट में आपको अलॉयज मिल जाते हैं, जो पेट्रोल वेरिएंट रहता है उसमें आपको स्टील रिम के साथ स्टील वो रिम कवर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो अगर हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो आप देख सकते हैं भाई इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे आपको DRS प्लेस करी गई है एंड इसी में आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड कॉर्नरिंग के लिए भी यहाँ पे आपको एक लैम्प प्रोवाइड करा गया है। नीचे कोई भी फॉग लैम्प्स आपको इसमें इस वेरिएंट से नहीं मिलते हैं भाई। ग्रिल जो देख रहे हैं क्रोम फिनिश में काफ़ी अच्छी क्यूबिक फॉर्म में प्रोवाइड करी गई है। हुंडई का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाएगा एंड नीचे आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप प्लेट प्रोवाइड करी गई है, जो कि कार के लुक्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है एंड काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक भी कार को प्रोवाइड कर देती है। तो साइड क्लैडिंग आप देख रहे हैं पूरे कार में ब्लैक कलर किरण होकर दिख जाएगी, जो कि इसको एक प्रॉपर क्रॉस ओवर वाला लुक प्रोवाइड करती है। अगर मैं कुछ डायमंड कट अलॉयज की बात कर लूँ तो इसमें आपको 215/60 और 16 का डायमंड कट अलॉयज मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है एंड ये कार के लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है भाई। कार बहुत अच्छी लगती है सामने से देखने में। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो भाई छोटे लगते हैं, मगर ठीक है। ओवरियम तो आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड जो ओवरियम्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स एंड फोल्डेबल्स हैं। बॉडी कलर से ओवरियम्स आपको इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं। बाकी भाई फ्रंट लुक से आप देख सकते हैं कार बहुत ही ऑफर लगती है, काफ़ी अच्छी फ्यूचरिस्टिक लगती भी है एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको प्रोवाइड कर देगी अपने सेगमेंट में। डोर हैंडल्स आप इसके देख सकते हो, यहाँ पे ड्राइवर साइड पे आपको रिवर्स सेंसर भी मिल जाएगा एंड बॉडी कलर से आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी बिग साइज में आपको मिल जाते हैं देखने में। ऊपर में आपको इसमें भाई सनरूफ मिलती है तो एज अ प्रीमियम फीचर। रूफ रेल जो है वो फंक्शनल है, तो भाई ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा फीचर इसका भाई। जब रूफ रेल फंक्शनल रहती है तो आप रूफ पे भी काफ़ी अच्छा तो लगेज कैरी कर सकते हैं एंड जो रूफ टॉप टेंट होता है उसको भी आप काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई साइड प्रोफाइल से आप लोग देख रहे हैं भाई कार कितनी ही मस्त लगती है भाई। मुझे तो पर्सनली भाई इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो बैक पोर्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब से इन्होंने इसमें अपग्रेड्स कर दिए हैं। बैक प्रोफाइल से अगर मैं लोग दिखा दूँ कार का तो आप देख सकते हैं भाई कितनी अच्छी इसमें आपको कनेक्टिंग टेलर्स प्रोवाइड हो जाती है, जो कि भाई रात में काफ़ी अच्छी लगती है। पूरी ऑडी वाली फीलिंग आपको मिल जाएगी। ऊपर में आपको शार्क एंटीना मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाएगा, SAS हुंडई की बैजिंग। स्पेशल थैंक्स टू SAS हुंडई जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड करी फॉर वीडियो शूट। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप SAS हुंडई तेलीबाग आकर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम का लिंक मिल जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे आपको वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी, हुंडई की बैजिंग मिल जाएगी, SX की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड नीचे यहाँ पे आपको बैकलाइट यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है, इसी में आपको रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको दो। नीचे आपको इसमें सिल्वर कलर की स्किट प्लेट प्रोवाइड करी गई है, जो कि इसको एक प्रॉपर SUV वाला लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, मगर भाई नंबर प्लेट की लाइट अभी भी आपको वही हैलोजन बेस ही प्रोवाइड करी जाती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। सो अगर मैं बूट को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें बड़ी सी पार्सल ट्रे मिल जाएगी एंड नीचे आपको काफ़ी बढ़िया आपको लगेज एरिया मिल जाएगा, जो कि कम से कम 350 लीटर का आपका रहने वाला है। बूट लैंप भी आपको मिल जाएगा एंड नीचे जो स्पेयर व्हील मिलता है तो ये आपको प्रोवाइड करा जाता है 195/65 R15 का, 15 इंच को आपको इसमें स्टील रिम टायर प्रोवाइड करा जाता है। तो भाई ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है और कंपनियां कॉस्ट कटिंग इसमें भी करती भी हैं। तो भाई मैं कार के लुक्स की बात कर ही रहा था तो आप देख सकते हैं भाई कितना ही प्रॉमिसिंग इसके लुक्स बना दिए गए हैं एंड जो भाई कलर है ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा है, बस सिल्वर कलर आप इसको कह सकते हैं। तो लुक्स के मामले में ये कार काफ़ी आगे निकल चुकी है, आप देख ही रहे हैं भाई हुंडई ने अपने प्रीमियम फीचर्स के साथ एंड प्रीमियम लुक्स के साथ काफ़ी बढ़िया वेन्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है। SX मॉडल में डीजल में काफ़ी अच्छा ऑप्शन ही रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसका बोनेट ओपन करके भी दिखाता हूँ, इसमें आपको कैसा इंजन फिगर मिलता है एंड क्या पावर वो प्रोड्यूस करता है 2023 के BS6 फेज 2 के अकॉर्डिंग। तो अभी आप इसका कुछ देख सकते हैं, डीजल इंजन ये है CRDI 16 GL का। तो इसमें आपको मिलता है 1500 CC का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 BHP की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। जो माइलेज क्लेम है वो आपको मिल जाती है 23.4 KMPL की। तो भाई मैं ये कहूँगा इसमें माइलेज आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो जाने वाली है एंड BS6 फेज 2 के साथ ये इंजन और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है एंड जो आपकी जो नॉइस थी वो भी काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। अगर मैं बात कर लूँ उस कार की डायमेंशंस की तो इसमें आपको लेंथ मिलती है 3995 mm की, विड्थ मिलती है 1770 mm की, हाइट आपको मिल जाती है 1617 mm की, व्हील बेस 2500 mm का प्रोवाइड करा गया है एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी 195 mm की। बूट कैपेसिटी 350 लीटर जैसे मैंने आपको बताया एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाएगी 45 लीटर की। अगर कुछ फीचर्स की बात कर ली जाए तो भाई इसमें आपको भर के फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहले आपको मिलता है 1 बीप ओवर 80 किलोमीटर की एंड जब आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस कर लेंगे तो आपको कंटिन्यूस बीप मिलती रहेगी।
पंचर किट आपको उसमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करी जाती है। 4 एयरबैग्स आपको उसमें मिल जाते हैं, TPMS फीचर, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड आपको इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इसमें नहीं प्रोवाइड कराया गया है। बाकी आपको कीलेस एंट्री तो भाई कार में मिलती ही है। अगर मैं कार की कुछ कीज़ की बात कर लूँ तो कुछ ऐसी कीज़ आपको कार में मिलने वाली हैं जिसमें आपका लॉक अनलॉक, होल्ड फॉर बूट ओपनिंग एंड होल्ड फॉर कार स्टार्ट के ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो कार आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि भाई आप जानते हैं ये है सब 4 कॉम्पैक्ट में आने वाली SUV। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उसमें आपको स्पेस कितना मिलता है, क्योंकि भाई बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि छोटी कार है तो स्पेस कम होगा, मगर नहीं भाई, इसमें स्पेस भी आपको भर के प्रोवाइड करा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड सीट पूरी पीछे है। तो मैं बैठता हूँ कार में, जैसा कि मेरी 6 फीट हाइट है तो आप देख सकते हैं अभी भी मुझको इसमें अच्छा खासा लेग रूम प्रोवाइड हो रहा है। भाई कार में स्पेस की कोई कमी नहीं है, फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, ऊपर में लैंप मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल जो है ये भी आपको सॉफ्ट टच के साथ प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, मगर कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड नहीं करा गया है। डुअल टोन में आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं तो ब्लैक एंड बेस कॉम्बिनेशन आपको इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे आपको केवल पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे, नीचे बॉटम होल्डर स्पेस, स्पीकर प्लेसमेंट बैक डोर में मिल जाएगी। तो भाई इतना ही सब कुछ आपको सेकंड रो में मिलता है। अब चलता हूँ मैं फर्स्ट रो में, दिखाता हूँ भाई इसमें हमें क्या फीचर्स मिलते हैं एंड डैशबोर्ड का कैसा लुक रहता है एंड हमें कितना ही कंफर्ट मिलता है जब हम कार को ड्राइव करते हैं। सो भी आप कुछ देख रहे हैं वेन्यू के SX मॉडल के इंटीरियर का लुक आपको डुअल कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड कराया गया है, ब्लैक एंड बेसिक कॉम्बिनेशन में। एंड वहीं अगर आप डोर का लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का बटन, ओवरव्यू को फोल्ड एंड फोल्ड करने का बटन एंड ये बटन हो जाते हैं आपको ओवरव्यू को एडजस्ट करने के। लॉक ओपनर आपको मिलता है स्टैटिन सिल्वर फिनिश में, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पे एंड टूटे प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है, बॉटम होल्डर स्पेस मिल जाएगी, कोई भी लेदर की यूज नहीं करा गया है, पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है ब्लैक एंड बेसिक कॉम्बिनेशन में। इसमें सीट भी आपको डुअल कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करेगी है, ब्लैक एंड बेसिक कॉम्बिनेशन में कोई भी लेदर की यूज नहीं है, सिंपल सा ही फैब्रिक यूज करा गया है। सीट की जो साइड वॉल है वो काफी अच्छी प्रोवाइड करेगी जिससे ग्रिपिंग काफी अच्छी बनी रहती है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो भाई चलिए बैठता हूँ कार के इंटीरियर में, दिखाता हूँ कि हमें इसमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। सो कार के इंटीरियर का लुक आप एक बार देख सकते हैं भाई कितना ही प्रॉमिसिंग प्रोवाइड करा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ से आपको मिल जाता है इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलाइट एडजस्टमेंट का भी बटन आपके पास प्रोवाइड करा गया है। जो AC वेंट है इसमें आपको सिल्वर यूज करा गया है। तो इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन हम लोग प्रेस करते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पे आपकी MID ऑन हो जाती है जो कि फुली डिजिटल में आपको प्रोवाइड करी जाती है। सारी चेकलिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका लुक काफी प्रॉमिसिंग प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे आपको सारे इसके MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे स्टीयरिंग व्हील पे ही। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ गई, ड्राइवर असिस्ट हो गया क्लस्टर के लिए, लाइट, डोर कन्वीनियंस, सारे फीचर आपको इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पे हो गया यूरिया फ्यूल लेवल, क्योंकि भाई ये है एक डीजल कार तो इसमें आपको यूरिया फ्यूल लेवल भी प्रोवाइड करा जाता है। बाकी ड्राइव इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको दिखाया एंड ये होगी यूरिया इन्फॉर्मेशन। सो अगर मैं बात कर लूँ कुछ स्टीयरिंग व्हील की तो उसमें आपको लेदर आप स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करा गया है, जिसमें लेफ्ट साइड में म्यूजिक कंट्रोल्स एंड राइट साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ MID के कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं। डी शेप में आपको उसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा एंड स्टीयरिंग व्हील आपको केवल टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक फंक्शन प्रोवाइड नहीं करा गया है। रियर वाइपर से कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे एंड इस साइड में आपको हेडलाइट से कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि एक ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। IRVM भाई ये आपको भाई पुराना वाला मिला है जिसमें आपको कोई भी डिमिंग फीचर प्रोवाइड नहीं कराया गया, आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी ऊपर में आपको यहाँ पर 2 लैंप्स मिल जाती हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है सनरूफ। तो आप देख सकते हैं भाई ये होगी यहाँ पे सनरूफ जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लगती है एंड एक प्रीमियम फीचर आपका बन जाता है। यहाँ पे आपका माइक प्रोवाइड करा गया है, सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा को पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, बस टिकट होल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो ये आपको सेम वही वाला मिलता है जो पहले से वेन्यू में आया करता था। सारे आपका में फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मैनुअल, क्वाइट मोड, मीडिया सेटिंग, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कुछ बटन से प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिससे आपकी कन्वीनियंस बनी रहे। हजार लाइट का बटन मिल जाएगा, नीचे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक AC आपको इसमें प्रोवाइड करेगी है। नीचे यहाँ पे USB सॉकेट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड सी टाइप के लिए फास्ट चार्जिंग के लिए भी सॉकेट प्रोवाइड करा गया है। नीचे यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दी गई है क्योंकि ये है भाई टॉप एंड वेरिएंट एंड इसके ऊपर एक ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है। गियर नॉब का लुक आप देख सकते हैं जो कि आपको 6-स्पीड मैनुअल गियर के साथ प्रोवाइड करा गया है। सिल्वर फिनिश की उस काफी अच्छे से करा गया है एंड की को होल्ड करने के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे आपको मिल जाती है 2 कप होल्डर की स्पेस एंड जो इसका आर्मरेस्ट है वो काफी ज्यादा कुशनिंग प्रोवाइड करता है। इसमें आपको काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड कर दी जाती है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आपको कूलिंग फंक्शन के साथ प्रोवाइड करा जाता है जो कि भाई प्रीमियम नेस का एक फीचर बन जाता है एंड हुंडई जानी ही इसीलिए जाती है क्योंकि भाई वो प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करती रहती है अपने कार में। अगर मैं सीट्स की बात कर रहा था
देख सकते हैं भाई कितनी अच्छी यहाँ पे साइडिंग वॉल प्रोवाइड करी गई है, जिससे जब हिल्स में ड्राइव करते हैं तो आपको कोई भी इनकन्वीनियंस फील नहीं होने वाला है। साइड में एयरबैग, फ्रंट में एयरबैग, तो भाई सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी इसमें आपको मिल जाती है। भाई मैं ये कहूँगा कि वेन्यू का SX मॉडल 14 लाख में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है एंड सेफ्टी भी काफ़ी इन्हेंस हो गई है 2023 के नए अपग्रेड्स आने के बाद। कंफर्ट वाइज कार बहुत ही अच्छी है एंड ड्राइविंग पोजीशन की बात कर ली जाए तो अभी आप देख सकते हैं बोनेट मेरा ये जो विजिबल है एंड कार में बैठते मुझे प्रॉपर एसयूवी वाला फील भी आ ही रहा है। तो चलिए अब कार से बाहर चलते हैं एंड बताते हैं आपको ये कार क्यों परचेज करनी चाहिए एंड क्या रीजंस रहते हैं कि आप एक वेन्यू को पिक करते हैं इसके ड्राइवर्स के बाद भी। सो 15 लाख के बजट में अगर आप चाहते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें सारे फीचर्स लोडेड हों एंड वो एक डीजल व्हीकल हो जिसमें आपको 24 के आसपास माइलेज मिल जाए तो आप वेन्यू का SX मॉडल पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई कितने ही फ्रेश लुक आपको इसमें प्रोवाइड हो जाते हैं। और अगर आप हैं एक प्रीमियम कस्टमर एंड आपकी रिलायबिलिटी है हुंडई पे ही तो आप वेन्यू पक्का पिक कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी किफ़ायती वेरियंट ये वाला रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियम कार जिसमें सारे फीचर्स हो एंड प्लस उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी हो, उसकी जो ब्रांड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो, तो आप हुंडई की व्हीकल पिक कर सकते हैं क्योंकि भाई इनके सर्विस आउटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है एंड शोरूम भी काफ़ी जगह है, तो आपको ओवरऑल इंडिया कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी कार एज सून एज पॉसिबल पिक कर ली जाएगी एंड उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो भी अच्छे से मैनेज कर दिया जाएगा। अगर कंफर्ट की बात कर लीजिए तो भाई कार में आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा एंड जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कार में रिफाइनमेंट भर भर के दी गई है तो इन सब रीजंस को कंसिडर करते हुए आप एक वेन्यू पिक कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं SAS Hyundai तेलीबाग। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो ये था कुछ रिव्यू हमारा वेन्यू के SX मॉडल को लेके डीजल वेरियंट का, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड अगर आप और भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट अच्छा अच्छा लाते रहेंगे। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।